देखिए अयोध्या पर सबसे बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मुद्दा पहुंचा कोर्ट, उठा सवाल पीएम ही क्यों करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर अभी अपूर्ण, फिर कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा। सवाल बड़े हो जाते हैं जब मुद्दा बड़ा हो, और मुद्दा जो हर घर हर व्यक्ति से जुड़ा हो तो फिर उसके मायने और बड़े हो जाते हैं। भारत में जब बात राम की हो, राम के नाम की हो, तो हर दिल उस विषय से जुड़ जाता है। पूरे देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। उस दिन अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, पर इस कार्यक्रम पर अब सवाल उठ गए हैं और मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। गाजियाबाद के भोला दास की ओर से याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है, पोष महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं, इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है, अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इसके अलावा पीएम और सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।